मेरा नाम ठाकुर वत्स सिंह है और मैं कानपुर से आया हूँ PSIT से, और वहाँ पर एज ए मैनेजमेंट फैकल्टी हूँ। MBA में ऑपरेशन रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स को मैं डील करता हूँ। वैसे बेसिक बैकग्राउंड हमारा मैथमेटिक्स है। तो इसमें हमने NPTEL से जो है 5 कोर्सेज में कर चुका हूँ, 5 सर्टिफिकेट कर चुका हूँ मैं। अच्छा। तो इसमें एक तो हमने ऑपरेशन रिसर्च का किया है और दूसरा जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस पर किया है। अच्छा। और बेटर स्पोकन इंग्लिश का किया है और इसके बाद जो है ये वाला किया, लीनियर अलजेब्रा किया। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको कैसा लगा? ऑनलाइन एग्जामिनेशन वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यहाँ का है और अच्छा किया है। अच्छा। बाकी इसमें जितने भी रेजोल्यूशन है, वीडियो इनका कैसा है, किस तरह का है? नहीं, ठीक है, सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ अच्छा आने में आपको किसी तरह की नहीं दिक्कत कोई भी नहीं हुई? हमने पता कर लिया था, हमारे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पर हैं ऑलरेडी। अच्छा। हाँ, तो उन लोगों से मैंने पता कर लिया तो उन्होंने बता दिया था कि वहाँ से जाइएगा, आपको टेम्पो मिल जाएगा, सीधे आप जो है यहाँ आ जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या लगता है इसको इम्प्रूव करने के लिए और क्या कर सकते हैं? नहीं, इम्प्रूव करने के लिए तो खैर अभी और ज़्यादा इसमें खैर बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी बेस पर है और अच्छा पढ़ाया जा रहा है। जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मेन है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा जो है इसमें और काफ़ी फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों का। ओके, वेलकम सर। मेरा नाम शशांक सिंह है, मैं लखनऊ का हूँ और मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज IIT लखनऊ से फाइनल ईयर बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स में हूँ। मुझे NPTEL के बारे में पता अपने दोस्तों से ही चला है। मैंने NPTEL पे पहले भी कोर्स किए हैं, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेसेस। अभी इस बार का मेरा कोर्स था इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। सो ये कोर्स बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बिकॉज बेसिकली ये नए कॉन्सेप्ट था जो टेक्नोलॉजी आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में यूज़ हो रही है, डेटा एनालिटिक्स, उस पर था, इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छा था, ट्रेनर्स भी हमारे IIT मैड्रास के 2 लेक्चर्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा सिखाया और बेसिकली रिस्पॉन्सिव कोर्स था, इंटरेक्टिव था और एग्जामिनेशन जैसे आज हमने दिया है तो एग्जामिनेशन पैटर्न भी अच्छा था, ऑब्जेक्टिव कोर्स बेसिकली ये था। बट कुछ चीज़ें जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा IIT को, बेसिकली ये कि एक वेबिनार कॉन्सेप्ट टाइप का होना चाहिए, जैसे जब लेक्चर्स हम देख रहे हैं उसी समय हम क्वेश्चंस पूछ सकें। सो वो लाइव वेबिनार टाइप का अगर IIT कुछ ऐसा कर सके तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट के लिए, ये मैं सोचता हूँ। और एक और जो कॉन्सेप्ट था मेंटर्स का, मेंटर का कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आया इस बार। बेसिकली हर कोर्स के लिए कुछ 6-7 नए मेंटर्स का नाम रहता है कोर्स पे, जो हर स्टूडेंट अपने लिए ऐड कर सकता है चाह के, तो वो मेंटर का कॉन्सेप्ट IIT उसे और ज़्यादा यूज़फुल बना सके स्टूडेंट्स के लिए, तो वो और बेटर होगा हमारे लिए। आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू। माय नेम इज़ शांतनु मस्तोगी, आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड आई एम परसुइंग MCA लास्ट ईयर फ्रॉम IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। मैंने यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस सिस्टम का सर्टिफिकेशन ज्वाइन किया था। इट्स वेरी गुड फॉर मी एंड इट्स वेरी नॉलेजेबल, बट आई हैव फीलिंग सम प्रॉब्लम। एक्चुअली हम लोग के साथ में थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम आ जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग के जो लेक्चर्स हों थोड़ा सा बाइलिंगुअल हों, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंग्लिश के फ्लुएंट इंग्लिश नहीं होती है, तो थोड़ा सा लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन हमने मैनेज किया और इस कोर्स से मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली और एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी अच्छा था और फर्स्ट टाइम मैंने फेस किया ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम। इट्स अ वेरी गुड एंड इट्स अ वेरी नॉलेजबल एंड सेंटर का एटमोसफेयर काफ़ी अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ अच्छी थी। और मैं चाहूँगा कि जैसे कि कोर्सेज होते हैं और IIT को और भी करस्पॉन्डेंस कोर्सेज शुरू कराने चाहिए, जो कि NPTEL या डायरेक्ट IIT के साथ में हम लोग कंबाइन करके और भी कोर्सेज कर चुके हैं। सर, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने डेटाबेस फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस का कोर्स सेलेक्ट किया था, उसका एग्ज़ाम था, तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उसका एग्ज़ाम अभी हुआ है। सर, IIFTM यूनिवर्सिटी से हम MCA कर रहे हैं, MCA फाइनल ईयर है इस बार। अच्छा, कैसा आपको LT देने के पश्चात आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के कैसा आपका अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, अच्छा रहा और मतलब अच्छा एग्ज़ाम था, उसका सर्टिफिकेट अगर एग्ज़ाम क्लियर होगा तो सर्टिफिकेट भी इसका मिलेगा। आपके ये लेक्चर्स जितने आपने यहाँ पे दिए हैं, आपने पढ़े हैं, तो आपके लिए कितने फ्रूटफुल थे, कितने आपके लिए प्रभावी थे? सब अच्छे थे सर, मतलब मोस्टली उसी में सिलेबस उसी में से था, एग्ज़ाम सारा उसी में से था। और आपको क्या लगता है कि इसके बाद आपको इस चीज़ का कुछ फ़ायदा मिलेगा? सर, हाँ, मैं एक्चुअली मैं DBA के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो डेटाबेस से रिलेटेड ये कोर्स है, तो इसलिए मेरे बेनिफिशियल रहेगा सारा कोर्स, जो मैंने लेक्चर्स वगैरह पढ़े हैं वो सब बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो, आई एम करण खन्ना, आई हैव कम फ्रॉम लखनऊ
and basically I have taken managing services module from NPTEL. The quality of the lectures were superb. Basically the faculty was very high quality, gave a very high quality lectures. So what we had, I have already done MBA, but I have learned a lot of new things, new upcoming trends in the marketing, service marketing module. So basically I am fully satisfied with the course I have undertaken, and I came to know about NPTEL through a Facebook link which my friend had shared. Thank you. आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑनलाइन टेस्ट का जो है एटमॉस्फेयर था वो कैसा लगा आपको? बेसिकली द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट सेंटर वॉज वेरी लाइक कम्फर्टेबल, एंड द सीटिंग अरेंजमेंट्स वर वेरी गुड, एंड इंस्ट्रक्शंस वर क्लियर कट गिवन इन द गेट दैट वेयर यू हैव टू सिट. द क्वालिटी, द फैसिलिटी ऑफ द सेंटर वॉज गुड. द कंप्यूटर्स वर वेरी हाई क्वालिटी. So I didn't face any issues while taking the online test. आपको NPTEL के बारे में कैसे पता चला? I heard of NPTEL through a Facebook link which my friend has shared. Okay. Sir, I am Pranav Kumar Mishra and I belong to Barabanki, and sir, I heard of NPTEL from my friends and who are doing it in other colleges. I am in my second year of graduation from Shri Ram Swarup Memorial College of Engineering and Management. Overall, the video quality was very good. It had two options to download, in high quality and low quality. I preferred the high quality one, and the teachers were, yes, very good. I would give a 5/5 to them, and mentors who helped us solve the problems, like when we asked the questions, those who helped us find out, they were very helpful, they were very amiable and helpful, and they helped us a lot. Overall, it was a good experience joining NPTEL course, and during the test also it was a very lucid, and it was nothing very difficult for us to, that we could not understand. Yes, I'm Dharamraj. I'm a scientist in DRDO, and right now I'm doing PhD in wireless communication. And from my guide in the engineering college, he told me about this course. So earlier also I took some courses by Aditya Jagannathan. That was on advanced 3G, 4G. And when this course started, so I registered myself right from the beginning. And it was really very useful course for me. I've attended all the lectures, I've submitted all assignments in times, and I scored nicely there. I hope to score good in this also. So I was expecting to get gold medal by IIT, but I don't know it will be there or not. But yes, course is very nice, and especially he teaches very well. Regarding your asking for improving this system, I mean, it was very, very well, but only one thing I could find, means at a glance when you want to see all the question sheet, that facility is not existing. Each question you have to click. So that feeling when we are seeing actual question, printed question paper, and seeing all questions together, it is missing here. Okay. That is what is missing here. What are your experience to giving this OLT online test? How was that? It was fine, sir. That's what I'm saying. Everything is nice and all well arranged. Only the thing I was missing, the earlier in objective questions, objective examinations, where we have got the complete question paper. Yep. So all the questions which you have ticked or which you have not ticked, it is there in front of you. Here you have to go each questions, and then probably the feeling that what is there in the question paper is not there. But otherwise it is fine. It is very good. Okay. That is Thank all. You. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. मेरा नाम रिचा है और मैं लखनऊ से ही हूँ. आई एम डूइंग माय ईसी थर्ड ईयर फ्रॉम रामस्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ. एंड मुझे NPTEL के बारे में मुझे मेरी फ्रेंड से पता लगा, जिसने IIT खड़गपुर में एक कोर्स किया था. सो बेसिकली वहाँ पे स्टूडेंट से पता लगा था. एंड आई हैव डन टू कोर्सेज फ्रॉम NPTEL, दैट इज़ प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज, एंड द अदर वन इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी. The whole experience was literally good. It's a good platform to explore other knowledges as well apart the academic one. So all over a good experience. Okay.
आपको NPTEL के बारे में कहाँ से आपने बताया? मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने वहीं से IIT खड़गपुर से किया था कोर्स नेटवर्किंग का, तो शी टोल्ड मी। OLT देने के बाद आपको क्या लगता है कि किस तरह की वीडियो क्वालिटी थी, किस तरह का आपको फैसिलिटी दी गई है ऑनलाइन टेस्ट में, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी आपको? वीडियो क्वालिटी इज़ गुड, बट एक इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जैसे अपार्ट जैसे EDX है, इट्स अ साइट, इंटरनेशनल साइट, सो ऑन दैट साइट वी गेट द नोट्स एज वेल, द ई नोट्स एज वेल, सो अगर वो इंक्लूड हो जाए NPTEL में सो इट वुड बी गुड, क्योंकि वीडियोज़ लेक्चर बहुत बारी एक्सेस करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सो मेरा नाम प्रबल कुमार है एंड मैंने NPTEL का जो कोर्स ज्वाइन किया था वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी किया था, एंड ये मेरा पहला कोर्स था NPTEL से जुड़ा हुआ, और सबसे पहले मैंने इससे पहले डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट सिस्टम के बारे में यूट्यूब से पढ़ा हुआ है NPTEL में प्रोफेसर श्रीनिवासन के थ्रू, तो जब उन्होंने पढ़ाया तो उससे मैं इंस्पिरेशन लेके मैंने सोचा कि मैं इस कोर्स को ज्वाइन अप करूँ, और क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बिलोंग कर रहा हूँ एंड मेरा कॉलेज प्रवीण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इस वजह से क्योंकि प्रोग्रामिंग इन सी मेरा एक बेसिक मेरा इंस्पिरेशन है, वॉन्ट टू डू प्रोग्रामिंग इन सी, इसलिए मैंने इस कोर्स के लिए ऑप्ट किया, और जब मैंने इस कोर्स के लिए ऑप्ट किया तो मुझे पता चला कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे इस कोर्स से, जितना कुछ मैं अपने कॉलेज में नहीं सीख पाया उसके थ्रू इस कोर्स के थ्रू मैं सीख पाया, काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट जो नहीं क्लियर थे वो भी क्लियर हुए, और जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो भी असाइनमेंट हुआ करते थे, मेज़ प्रॉब्लम, काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आया, दोस्तों के साथ बैठ के उसे सॉल्व करने में हमने ये सीखा कि हम एक साथ चीज़ें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आज का एग्ज़ाम अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी हो तो ठीक ठाक एग्ज़ाम था, काफ़ी सारे 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 आसान थे, 2 थोड़े टफ थे, और पेपर देने में भी काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया, थैंक यू। என்னோட பேர் ரங்கசாமி, இங்கே MTech IIT-ல பண்ணுறேன், கான்பூரில், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஏரோஸ்பேஸ். இந்த கோர்சஸ் பற்றி காலேஜுக்குள்ளேயே நிறைய போஸ்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு முன்னாடியே தெரியும், தம்பியும் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கான், அவன் BE IT படிக்கிறான், இப்போ நான் பண்ண கோர்ஸு ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ், கோர்ஸ் நல்லா இருந்தது. ஃபர்தராக சஜஷன்ஸ் கோர்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா, இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், சொல்யூஷனோட நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும். வேறு ஃபாரம் செக்ஷன் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஃபாரம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ், அசைன்மெண்ட்ஸ்? ஃபாரம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் உண்மையிலேயே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, இந்த ஐடியா உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ஃப்ரெண்ட்ஸு நிறைய பேருக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணி எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் க்ளியர் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸும் இருந்தது, ஃபாரமில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் TAS-லேருந்து TAS-கிட்டேருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் எங்களுக்கு இருந்ததுனால ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. வீடியோவோட குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்குது? வீடியோவோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது, ஆனால் எனக்கு ஏன் வீடியோ மட்டும் அப்படியே என்னென்னு தெரியல, ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறப்போ மட்டும் லைட்டாக கிளார் வர மாதிரி இருந்தது, அது ஏன் தெரியல, அது ஒன்று மட்டும் செக், அதை நாங்கள் செக் பண்ணி சொல்லுவோம். ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப தேங்க்ஸ். மை நேம் இஸ் வெங்கடேஷ். I am a faculty of environmental science and management. I teach in the Baba Saheb Bhimrao Ambedkar Central University. I have been teaching for last 10 years. It has been more than a decade. And last time I appeared in the exam was in the year 2002 when I was giving the exam for my PhD coursework. And I took course in sustainable river basin management, which I found was very impressive and full of new knowledge. I have been teaching courses in integrated water resource management to MSc students and also to PhD scholars, and I thought it would be interesting to undergo course like this myself, because there is no such program, a short term program focused on river basin management which is available on the common domain. So the knowledge delivery was very innovative, and of course it depends upon the internet speed, but the handouts were also provided in the Google platform, and they were quite handy for the examination. The lectures were also good, but I thought that there could be instead of one instructor giving all the lectures, there could be also 2 or 3 instructors, because in my course I thought that it was little bit monotonous, where there could be more variety of subject experts, and you know, they could also introduce to some local specific research
Like if I am in North India, so I should be given a problem of North Indian River Basin instead of an example from US or Europe. So there could be more local specific research. And of course, it has to be popularized among the students and faculty members. I thought that I could know about this course only through internet, but that was quite late. I started about 15 days late when the course was started. But when I saw the course modules, it is very interesting. You have courses right from humanities to social sciences to even courses in Indian classical music, Carnatic music. So I've been planning to undergo a few more courses, and it's very interesting and useful to the participants. Hello, my name is Shashank Kumar Singh. I have come from Kanpur, from Maharana Institute of Professional Studies. I have participated in the course Introduction to Airplane Performance, and my experience was pretty good. The lectures which were delivered by the faculty in videos were far better and made my concepts clear, and it was a very good experience to give my examination here online, and it was my first experience of online examination. I came to know about NPTEL from exploring the website. Actually, I searched for some video lecture, and then I found the NPTEL website on internet. And then I came to know, slowly exploring the NPTEL website, I came to know about different kind of video lectures and this certificate course. The quality of video resolution was pretty good and was better as per my expectation, because in less memory, less data, it was better quality giving. And then all overall experience was good. The faculty was teaching by solving the problems and equations on the blackboard, and I also learned fluid machinery course by S.K. Som lecture, who is from Kharagpur, and that was very good, and his lectures also I liked very much. About the forum, as far as the forum is concerned on the NPTEL website, the forum is very good. The managers of the forum are very much assisting to us, and whichever query we post on the website forum and or either by email, we get the reply in positive manner. Video lectures काफ़ी अच्छे थे, but कुछ जो एक structure के थे वो थोड़े से dull रह गए थे, but बाकी सारे बहुत अच्छे थे. And I wish कि मैं और सारे courses join करके और भी सीख सकूँ, और NPTEL के through I can gain up more certification and more amount of the skills to be a good programmer. फोरम के बारे में आपका क्या कहना है, जिसमें हम अपनी पॉइंट्स रखते हैं तो जैसे फौरन आंसर मिल जाता है? हाँ, फोरम पे भी अगर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पोस्ट अप करे थे तो उसके भी काफ़ी सही आंसर, काफ़ी अच्छे आंसर मिलते थे, और इवन वो उसी दिन या उसके एक दो दिन में वो रिप्लाई कर देते थे, ताकि हम प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉल्व करके नई नई प्रॉब्लम्स के और सोल्यूशन ढूंढ सकें और बहुत कुछ सीख सकें. थैंक यू. मेरा नाम रजत है, मैं यहीं IIT लखनऊ में पढ़ता हूँ. अब मैं ब्रांच मेरी वैसे EC है, कि मेरे दोस्त कोर्सेज करते रहते थे NPTEL के, तो मेरे दोस्त ने एक ने बताया कि कोर्सेज अच्छे होते हैं, तो मैं सोचा ट्राई करता हूँ एक. तो कंप्यूटर साइंस में मेरे को इंटरेस्ट था, लेकिन ब्रांच मेरे को मिली नहीं थी, तो कॉलेज में पढ़ नहीं पाते हम, और बाकी मैं EC के भी अलग बहुत बिजी रहता था. कोर्सेज देखे मैंने, फिर एक डेटाबेस का कोर्स मिला मेरे को, और मन भी था पढ़ने का, कि प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ उसमें ज़रूरत भी थी डेटाबेस की. तो फिर लेक्चर्स पढ़े, बहुत अच्छा लगा. अब सर पढ़ाते भी इतना अच्छा थे. फिर आज एग्ज़ाम देने आए, हो गया एग्ज़ाम. अब सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वो भी फ़ायदा, और बाकी जो प्रोजेक्ट में यूज़ होता है उसमें भी काम आएंगे. एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. अब यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी, और हो भी गया अच्छे से सब कुछ, आता भी था, सर ने पढ़ाया था सही, तो अच्छा था. ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा था, ओवरऑल सब कुछ. और कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा, अगर टाइम मिले सबको करना चाहिए NPTEL के कोर्सेज, बहुत अच्छा. थैंक यू रजत, थैंक यू वेरी मच.